तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी जालाइफ स्टाइल का नाम ही सुना है या अगर आप जालाइफ स्टाइल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसमें शुरू से किस प्रकार से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, जालाइफ स्टाइल में ज्वाइन होने के बाद आपको यहाँ में कैसे ज्वाइन होना है हम आपको यह भी बताएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें, जालाइफ स्टाइल पर रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। दोस्तों, 9 जून 2021 से पहले यहाँ पर वही लोग रजिस्टर कर पाते थे जिसका अकाउंट वेरीफाई था, जिसने उसकी फीस पे कर रखी थी और जिसका अकाउंट वेरीफाई था, सिर्फ वही लोग उस पर रजिस्टर कर पाते थे। दोस्तों, 10 जून के बाद यह नियम चेंज हो गया है और इस पर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जालाइफ में भी। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आप जालाइफ स्टाइल में और यहाँ में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमें YouTube एप्लीकेशन खोलनी है। जैसे कि हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन ओपन कर ली है, आपको लिंक दिखाई दे रही होगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने आप ब्राउजर में पहुँच जाएंगे और हमारी जालाइफ की साइट खुल जाएगी। आप देख सकते हैं हमें साइन अप करना है, हमें सबसे ऊपर ही दिख जाएगा यूअर फुल नेम, तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर डाल दीजिए। दोस्तों, इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा योर यूजर नेम, आप यहाँ पर कोई भी अपना यूजर नेम डाल सकते हैं। जैसे हमने ऊपर प्रेम डाला है तो आप नीचे प्रेम या अपने मोबाइल नंबर के चार अंक भी डाल सकते हैं या आप कुछ और भी लगा सकते हैं। दोस्तों, यह देखिए, जैसे कि हम प्रेम प्रीतम लिख देते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आप यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हैं। नीचे आपका स्पॉन्सर नाम आ जाएगा, आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और आपको नीचे मिल जाएगा कन्फर्म ईमेल, आप यहाँ पर भी वही ईमेल डालिए जो ईमेल आपने ऊपर डाली है। दोस्तों, आपको फिर एक अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, आप जिस देश से भी हैं आप उस देश को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पर। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आप वही डालिए जो आपके पैन कार्ड में है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और डाल लेते हैं। दोस्तों, अब आपको नीचे अपना पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। आप पासपोर्ट कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको वह पासपोर्ट याद रखना जरूरी है और आपको अपना यूजर नेम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको यूजर नेम और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम पासपोर्ट डाल लेते हैं। आपको ऊपर भी पासपोर्ट डालना है और नीचे भी वही पासपोर्ट डालें जो आपने इससे ऊपर वाले कॉलम में डाला था। दोस्तों, हम अपने पासपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हमें पासपोर्ट याद रहे और इसे हम बाद में भी देख सकें। दोस्तों, अब हमको नीचे दो टिक मिलेंगे, यह देखिए खाली कॉलम, हमें इन पर दोनों पर टिक करना है और आपको साइन अप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा यह साइन अप हो जाता है और हमारा ब्राउजर चेकिंग होने के बाद हमें रीडायरेक्ट उसी पेज पर पहुँचा देगा फिर से। दोस्तों, जिससे हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। हमें ऊपर यूजर नेम डालना है, जो भी हमारा यूजर नेम था। दोस्तों, आपको यूजर नेम और पासपोर्ट याद रखना है, आपको लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, यह देखिए, हम अपना यूजर नेम और पासपोर्ट डाल देते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए, हमारा यह अकाउंट लॉगिन हो चुका है और हम पासपोर्ट सेव कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जालाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं ऊपर सिलेक्ट लैंग्वेज से क्लिक करके, और आप इसे कोई सी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आपको इसमें काफ़ी लैंग्वेज मिल जाएंगी, आप उसी भाषा में इसे कर सकते हैं। तो हमने हिंदी में कर लिया है, आप देख सकते हैं आपको सब कुछ हिंदी में दिखाई देगा। अब दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है, मैंने संदेश पढ़ लिया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप देख सकते हैं सब कुछ हिंदी में दिखाई देगा आपको। तो आपको दोस्तों थोड़ा नीचे आना है, यह देखिए आपका अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं है क्योंकि यह फ्री वाला अकाउंट है। अगर आप इसके लिए फ़ीस कटवा देते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, हम इसे ध्यान से पढ़ने के बाद, यह फीस काटने का ऑप्शन है, आप इससे फीस भी कटवा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो हम आपको वह भी बताएंगे कि आपको यहाँ में कैसे रजिस्टर करना है। तो दोस्तों, यह देखिए हम ओके कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने एक और पेज खुलेगा, यह देखिए आपको नीचे आना है तो आपको नीचे पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप देख सकते हैं हम इसे इंडियन रुपीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 912 रुपये यहाँ पर मांगता है। तो हम इसे एक बार बैक आ जाते हैं और आपको यहाँ में फ्री में रजिस्टर करके दिखाएंगे पहले। दोस्तों, हम बैक आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमें नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों, ये देखिए आपको दिख रहा होगा भी यहाँ रजिस्टर करें। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करें। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर यहाँ वाला पेज खुल जाएगा। यह देखिए, हमें यहाँ पर यूजर नेम डालना है जो हमारा यूजर नेम था और नीचे वही पासपोर्ट डालना है, तो हम यहाँ में रजिस्टर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें कुछ और डिटेल भरनी है जो हम आपको बताएंगे।
यह देखिए हम अपना पासवर्ड और यूजर नेम डाल चुके हैं। हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो थोड़े लोडिंग होने के बाद हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा। यह देखिए हमें यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे कि हम सबसे ऊपर अपना नाम भर देते हैं। यह देखिए आपको सरनेम डालना जरूरी है, आप सरनेम यही डाल दीजिए, जो नाम आपका ऊपर है वही आप सरनेम में डाल दीजिए अगर आपका सरनेम नहीं है तो। दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और आपकी ईमेल आईडी दिख रही होगा, आपकी ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। आपको सबसे ऊपर एज वाला ऑप्शन आएगा, आपकी एज जितनी है आप उतनी डालिए। आपको सिटी वाला ऑप्शन आएगा, यह देखिए आपकी सिटी जो भी है आप वह शहर डालिए अपना। दोस्तों आपको नीचे आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा, आपको बाइसाइकिल लिखा हुआ दिख जाएगा ऊपर, जिस फोटो में भी आपको बाइसाइकिल चमक रही है आपको वह टिक करने हैं और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यह देखिए हमारा कैप्चा वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों अभी रजिस्टर वाला ऑप्शन हमारा इनेबल नहीं हुआ है, यह देखिए चालू नहीं हुआ है, तो हमें ऊपर जेंडर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, हम इसमें मेल भर देते हैं और हम नीचे आते हैं तो यह देखिए अब हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा इसमें रजिस्टर हो चुका है। दोस्तों आपको अकाउंट आपको यह है कुछ पे करने के लिए पैसे के लिए कहेगा, तो आपको नीचे करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। यह देखिए आप पहले इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 869 रुपये काटने के लिए कहेगा, आपको नीचे आना है थोड़ा। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई देगा, हम यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जहाँ कंटिन्यू दिख रहा है। तो यह देखिए हम नीचे यह इसकी वेरीफिकेशन आ रहा है, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यह देखिए आपके लिए ये आ जाएगा। दोस्तों आपको इसमें 25 ऑप्शन चुनने हैं जिससे संबंधित आपको ऐड दिखाई देंगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देते रहेंगे। दोस्तों आपको कम से कम 25 ऑप्शन सिलेक्ट जरूर ही करने हैं इसे वेरीफाई करने के लिए। तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी से इसे कर लेते हैं। दोस्तों आपको मोबाइल के नीचे वाले हिस्से पर दिख रहा होगा कि आपके ऑप्शन जब 25 हो जाएंगे तो यह कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप 25 से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यह देखिए आप 25 से ज़्यादा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा यह स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सक्सेस लिखा हुआ चुका है। हम जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐड दिखाई देंगी। अगर अभी ऐड दिखानी शो नहीं की है, जब ऐड दिखानी शो की जाएंगी तो यहाँ पर आपको वह ऐड दिखाई देंगी जो आपने देख ली। दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अभी यह चालू नहीं हुई है, जब चालू हो जाएगी तो आपको यहाँ पर यह दिखाई देगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप इस प्रकार से जा लाइफ में और यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में। तो दोस्तों अगर आप भी जा लाइफ स्टाइल में ज्वाइन होना चाहते हैं फ्री में, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।